दोस्तों जब हम बात करते हैं कार ऑडियो इंडस्ट्री में इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने की, जब हम बात करते हैं कार ऑडियो इंडस्ट्री में मार्केट से हटकर कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट लाने की, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ब्रांड का नाम आता है। बता सकते हैं वो कौन सा? जी हाँ, सही पकड़ा है आपने, वो ब्रांड है मेगा ऑडियो। मेगा ऑडियो कार ऑडियो इंडस्ट्री की वो ब्रांड है जो इंडिया में पहली बार कार ऑडियो इंडस्ट्री में एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाली ब्रांड है। तो दोस्तों इसी क्रम में मेगा ऑडियो एक बार और मार्केट में तहलका मचाने के लिए लेकर आई है एक नया प्रोडक्ट। जानते हैं उस प्रोडक्ट की क्या खासियत है। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौधरी, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोटो हाई ड्राइव पे। अब बात करते हैं हम कि मेगा ऑडियो वो कौन सा नया प्रोडक्ट है जो लेकर आई है। तो जी हाँ, वो लेकर आई है ये प्रोडक्ट, देखिए ये है मेगा ऑडियो का डायमंड 2 के डिस्कवरी सीरीज, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्या है इस कार ऑडियो इंडस्ट्री के लीडिंग ब्रांड मेगा ऑडियो की नई पेशकश, उसके बारे में, इसके प्रोडक्ट के बारे में, ये प्रोडक्ट क्या है और क्या नए फीचर्स हैं इस प्रोडक्ट में, किस तरह का दिखता है ये प्रोडक्ट, आज मैं वो सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। बने रहिए वीडियो के एंड तक। अभी आपने फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखा है कि किस तरीके से मैंने अनबॉक्सिंग करी है, लेकिन आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैंने दिखाया नहीं है कि इस डब्बे में है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसकी जो स्क्रीन साइज है वो है 11.8 इंचेस। क्या है? 11.8 इंचेस। और मैं इसको करने जा रहा हूं रिवील। आइए सबसे पहले देखते हैं कंपनी इस बॉक्स में आपको क्या क्या दे रही है। मेगा ऑडियो की ये डायमंड 2 के सीरीज है, जिसे मेगा ऑडियो ने नाम दिया है डिस्कवरी सीरीज का। ये डुअल नॉब के साथ आता है, और अगर मैं बात करूं इसकी अनबॉक्सिंग करूं तो सबसे पहले बॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं, बॉक्स में इन्होंने वारंटी कार्ड दिया है। वारंटी कार्ड को जब मैं ओपन करता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, ये यहां पे एक बार कोड है और सेम बार कोड कंपनी ने बॉक्स पे भी दिया हुआ है। अगर देखेंगे ये बार कोड, जो सीरियल नंबर है, बार कोड नंबर है, वो सेम आपको वारंटी कार्ड पे भी मैच कर रहा होगा। और इस पे MRP स्टिकर भी है, जिस पे कंपनी ने मॉडल नंबर और MRP बाकी की डिटेल्स इन्होंने दिए हुए हैं। वारंटी कार्ड में आप देखेंगे एक QR कोड भी है। अगर इस QR कोड को आप स्कैन करते हैं तो मेगा ऑडियो की जो भी फुल रेंज ऑफ सीरीज है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उस QR कोड को स्कैन करते ही आपको वो पूरी बुकलेट खुलकर मिल जाएगी। नेक्स्ट जो आप देखेंगे, कंपनी इस प्रोडक्ट पे आपको 2 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी देती है। अगर आप खरीदने के 7 दिन के अंदर अंदर इस QR कोड को स्कैन करके अगर आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कर लेते हैं, उसके लिए करना क्या होगा, QR कोड को आप स्कैन करेंगे, स्कैन करके इस नंबर पे आपको हाई का मैसेज भेजना है या व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे आपको हाई। जैसे ही आप व्हाट्सएप करते हैं हाई करके मैसेज, तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी 2 महीने की इमीडिएटली मिल जाती है। नेक्स्ट, इस पैकेट में आपको मिलेगा एक मैनुअल किट। ये मैनुअल किट के बाद एक क्लीनिंग किट भी मिलती है आपको। पैच इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो क्लीनिंग किट होती है वो आपको इस बॉक्स के साथ मिलेगा। इसके बाद इसमें आपको एक डुअल नॉब का किट मिलेंगी, जिसमें पूरी वायरिंग रहेगी, पूरी सेट ऑफ वायरिंग, और इसमें सारे स्क्रूज रहेंगे। इसके अंदर ही आपको माइक भी मिलती है, कंपनी माइक इसके साथ ही देती है। बाकी जितने भी रिक्वायर्ड वायर्स हैं वो आपको किट के साथ ही मिलती है। अब करता हूं मैं इस प्रोडक्ट को रिवील। दो रोटरी नॉब लगे होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या ये रोटरी नॉब डमी है? नहीं दोस्तों, ये डमी नहीं है, ये दोनों ही रोटरी नॉब जो है वो एक्टिव है। और इसका पर्पस मैं बता देता हूं। इस रोटरी नॉब को अगर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब आप रोटेट करते हैं तो ये काम आता है वॉल्यूम इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज करने के। वॉल्यूम जिस पॉइंट पे होएगा वो पॉइंट यहां पे आपको डिस्प्ले कर रहा होगा। दूसरे वाला जो रोटरी नॉब है, ये वाला रोटरी नॉब है, इसको जब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब आप रोटेट करते हैं तो ये काम आता है आपके
नेक्स्ट वीडियो प्ले करने के लिए या फिर प्रीवियस वीडियो प्ले करने के लिए। और सिर्फ बात वीडियो प्ले करने की नहीं होती है, ये रोटरी नॉब जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आप ऑपरेट करते हैं तो नेक्स्ट सॉन्ग और प्रीवियस सॉन्ग को भी प्ले करने के लिए ये काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फीचर्स के, इसके रैम रोम की बात करते हैं। इसमें 4GB रैम और इंटरनल स्टोरेज जो है वो 64GB की है। और दोस्तों ये प्रॉपर 2K रेजोल्यूशन के साथ आती है ये वाली जो स्क्रीन है। तो गाइज ये सिस्टम हो चुका है ऑन, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो सिस्टम है ये पूरी तरह से टच स्क्रीन है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो जो है वो वायरलेस है, जेड लिंक के थ्रू कनेक्ट होता है, और एप्पल कारप्ले भी वायरलेस है, वो भी आपके जेड लिंक के थ्रू कनेक्ट होता है। मैं आपको इसके बाकी की चीजें डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको इसका जो यूआई है, यूआई कितना शानदार यूआई है। ये यूआई यूजर इंटरफेस, ये स्क्रीन आपको कहीं पे भी मार्केट में किसी दूसरे सिस्टम में नहीं मिलेगी। अब इस यूजर इंटरफेस की बात करते हैं, आपको मार्केट में अगर कोई सिस्टम आप देखने जाते हो तो आप देखोगे, आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप ऑब्जर्व क्या करोगे, बहुत सारे सिस्टम का जो यूजर इंटरफेस है वो एक दूसरे से मैच करते हैं। लेकिन आपके पास क्या डिफरेंट चीज आई है वो आपको ये यूनिट परचेज करने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइज मैं अब आपके साथ इसके बाकी के फीचर्स डिस्कस करता हूँ। स्क्रीन पे ये वाला जो आइकन है ये मेन्यू आइकन है गाइज, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोस्तों तो ये मेरे सारे मेन्यूज ओपन हो जाते हैं। आप देखेंगे बहुत ही स्मूथ इसकी टच है। और अब मैं आपके एक एक आइकन को डिस्कस करता हूँ। इसमें सबसे पहले हमारा लोकल म्यूजिक है, लोकल म्यूजिक का जो आइकन है उस पर क्लिक करते ही आपको जो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड म्यूजिक है वो ओपन हो जाएगा। बाकी आप जो भी डाउनलोड करते हो, इसमें जो भी म्यूजिक अगर आप डाउनलोड करते हो तो उसी आइकन पे आपको शो करेगा। तो जब हम बात कर रहे थे इस सिस्टम की तो यहाँ पे आपको दो नॉब दिख रहे थे। आप इस भुलावे में मत रहिएगा कि ये सिर्फ डमी है, ये टोटल ऑपरेटिव है। मैं अगर इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेट करता हूं तो आपको एक चीज महसूस कर रहे होगे कि यहां पे इसको अगर क्लॉकवाइज करूं तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, और एंटी क्लॉकवाइज करूं तो इसे ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, और वॉल्यूम अभी किस लेवल पे है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अब बात करते हैं दूसरे नॉब की। तो ये नॉब किस काम आता है, ये नॉब आपके किस काम के है, ये अगर हम क्लॉकवाइज करेंगे तो नेक्स्ट सॉन्ग पे जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो हम प्रीवियस सॉन्ग पे सिलेक्ट होगा। और यहाँ पे भी ये डिस्प्ले शो कर रहा है कि नेक्स्ट या प्रीवियस पे जाने के लिए आपका ये नॉब काम करता है। अब आपको अगर इसके बैक जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बटन, आप पूरे मेन्यू पे आ जाएंगे। उसके बाद आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, इस बटन पे क्लिक करके, इस आइकन पे क्लिक करके आप अपने फोन को इस सिस्टम से कनेक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट आइकन दोस्तों आपके पास FM का है। FM में इस सिस्टम में बहुत ही प्रीमियम ट्यूनर लगाया गया है। FM में दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, एक AM का ऑप्शन होता है और दूसरा FM का ऑप्शन होता है। दिल्ली मुंबई चेन्नई जैसे मेट्रो शहर में या टीयर 2 शहर में अगर हम जब जाते हैं तो FM कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही हम पहाड़ों में या घूमने कहीं जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि FM वहाँ पे कैच नहीं करता है। ऐसे केसेस में जो वहाँ के FM को या फिर लोकल या नेशनल FM को कनेक्ट करने के लिए, रेडियो चैनल्स को कनेक्ट करने के लिए AM की फैसिलिटी होती है, तो इस सिस्टम में AM की फैसिलिटी भी है। नेक्स्ट है हमारा लोकल वीडियो। लोकल वीडियो इस आइकन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप जो वीडियो देखना चाहते हैं या इंस्टॉल करा हुआ है आपने वो वीडियो यहाँ पे दिख जाएंगे। सबसे पहले आप इसको मैं शो करता हूँ कि किस तरीके से ये इसकी ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं, इन टच ही आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं इधर करता हूँ तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, टच करते ही ये टच करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं इस साइड टच कर रहा हूँ ऊपर की ओर मूव कर रहा हूँ तो ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही है, इधर नीचे की ओर मूव कर रहा हूँ तो ब्राइटनेस डिक्रीज हो रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कितना शानदार इसके फीचर्स हैं। इसको फुल लेंथ पे लेना चाहते हो तो ये फुल लेंथ पे आ गया, अब आप इसको छोटा करना चाहते हो तो ये छोटे पे आ गया। इसका जो साइज है वीडियो साइज ये छोटा हो गया। अब यहाँ पे आपको टाइम भी शो कर रहा होता है, ये एक और एडिशनल फीचर है। देखें कितना शानदार कलर कॉन्ट्रास्ट है इसका, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितना शानदार कलर आ रहा है, शार्पनेस पिक्चर की बहुत ही वर्थ इट है और बहुत ही शानदार है। एक एक चीज एक एक डिटेल इसमें खिलकर दिख रही है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके अगले फीचर की। ये अगले फीचर जो है इसमें मिरर लिंक की है, आप अपने मोबाइल फोन में जो भी प्ले करते हैं वो आप इसे
यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, यानी कि एज इट इज मोबाइल आपका जो ये टैबलेट है मोबाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और सारे फीचर्स आपके मोबाइल के इसमें दिखने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट फीचर गाइज इसमें पिक्चर इन पिक्चर की है। पिक्चर इन पिक्चर का क्या मतलब होता है, अगर मैं ये वीडियो प्ले हो रहा है और मैं मेन्यू पे क्लिक कर दूं, लेट्स से यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये वीडियो आपकी प्ले हो रही है और ये मूवेबल भी है। अगर आप वीडियो को प्ले करते हुए देखना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे आप बाकी के मेन्यू भी देखना चाहते हैं तो आप इसको लगातार यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब स्टेबल छोड़ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा इसमें कोर साइज, चिपसेट की कोर साइज की। तो ये डेका कोर है, जैसे ऑक्टा कोर क्वालकॉम ये सीरीज होते हैं, ऑक्टा कोर सीरीज होता है, उसी तरह से एक सबसे टॉप लेवल का जो सीरीज है वो है डेका कोर। तो ये सिस्टम डेका कोर चिपसेट पे अवेलेबल है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा इसके बिल्ड की, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड है। अब जब आप अपने कार में इसे फिटमेंट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या है, डैशबोर्ड से थोड़ी सी अलग रहेगी, डैशबोर्ड से थोड़ी सी बाहर रहेगी और वो एक प्रीमियम लुक देती है। जैसे आप कोई भी प्रीमियम कार लेते हैं, लग्जरी कार लेते हैं, उन कार्स में भी ये बाहर को रहता है और एक लग्जरी लुक और एक लग्जरी फील देता है आपको ये वाला सिस्टम। नेक्स्ट आइकन हमारे पास है क्रोम का। क्रोम जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो ये जैसे आप मोबाइल में अपने इंटरनेट ऑपरेट कर पाते हैं उसी तरीके से इसमें भी आप अपना पूरी तरीके से इंटरनेट ऑपरेट कर सकते हैं। इसको आप अपने फोन से कनेक्ट करके वाईफाई के थ्रू हॉटस्पॉट क्रिएट करके आप इसको इस सिस्टम पे पूरी तरीके से क्रोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल क्रोम का। नेक्स्ट आइकन है आपके पास इक्वलाइजर का। इक्वलाइजर किस पर्पस के लिए यूज होता है, इक्वलाइजर ये बेसिकली डीएसपी इक्वलाइजर है और जिस तरीके का आपका मूड हो उस तरीके का आप साउंड क्वालिटी, म्यूजिक क्वालिटी उस तरीके का प्ले कर सकते हैं। लेट से आपको बहुत बेस में कोई सॉन्ग सुनना है तो आप बेस सेलेक्ट कर लेंगे तो ये जो आप सॉन्ग सुन रहे होंगे, जो भी म्यूजिक प्ले हो रहा होगा उसकी उस म्यूजिक में जो बेस की क्वालिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। उसी तरह से इसको आप जैज, रॉक, ट्रिबल, पॉप, बीस लाउडनेस, इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक सिस्टम पे आप डिफरेंट डिफरेंट मूड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से म्यूजिक सुन सकते हैं, अपनी क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं, म्यूजिक लिसनिंग क्वालिटी को। इसके अलावा अगर आपको एग्जिस्टिंग ऑप्शंस में कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, लेट से आपको मन कर रहा है कि यार नहीं मुझे थोड़ा सा वोकल ज्यादा चाहिए, मुझे थोड़ा सा बेस ज्यादा चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर वोकल चाहिए, वोकल के लिए कुछ और ऑप्शन है, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं लाइव एक्सपीरियंस। जब आप अपने कार में प्ले करेंगे तो आपको म्यूजिक एकदम लाइव एक्सपीरियंस इस तरीके से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं म्यूजिक क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, अपने लिसनिंग म्यूजिक लिसनिंग क्वालिटी को एनहांस करने के लिए। नेक्स्ट मैं आऊंगा आपके ऑप्शन पे, वो है हमारे पास फाइल मैनेजर। जो भी फाइल्स आप डाउनलोड करते हैं इसमें या फिर कोई भी चीज़, फोटोज़ अगर आप अपना सेव करना चाहते हैं, वीडियो सेव करना चाहते हैं या फिर अगर आप अपना कुछ सॉन्ग्स सेव करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं, तो आप फाइल मैनेजर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। इंटरनल स्टोरेज जैसे कि मैंने आपको बताया 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है, तो आपके पास एम्पल स्पेस है अपने किसी भी फाइल को यहाँ सेव करने का। मैप्स ऑलरेडी इसमें प्री इंस्टॉल्ड है, कहीं भी जाना है आपको, अब आपको फ़ोन पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट अगर आपने इसमें लगा रखा है, फ़ोन आप अपने दूसरे चीज़ों के लिए इस्तेमाल कीजिए और मैप के थ्रू आप अपने डेस्टिनेशन पे इजीली पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास प्ले स्टोर का है। प्ले स्टोर में साइन इन करके आप अपने कोई भी दूसरे जो आपके इंटरेस्ट ऑफ फील्ड के एप्लीकेशन है उसको आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर के थ्रू। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यूट्यूब का है। चूंकि आप म्यूजिक के शौकीन हैं, अगर आप वीडियो देखने के शौकीन हैं, तो यूट्यूब यहाँ पे प्री इंस्टॉल आ रहा है, प्री इंस्टॉल यूट्यूब के थ्रू। इसमें आप साइन इन करके विदाउट साइन इन, बस इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आप इसको भी प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट जेड लिंक का ऑप्शन है। जेड लिंक के थ्रू दोस्तों आप अपने कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो, अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो कारप्ले इससे कनेक्ट हो जाएगा और वायरलेस कारप्ले आप इसमें ऑपरेट कर पाएंगे। आप अपने इस टैबलेट को पूरी तरीके से आईफोन में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। कैलकुलेटर अगर आपने यूज करना है तो आप कैलकुलेटर का ऑप्शन है। आप कोई भी चीज ऑनलाइन अगर डाउनलोड करते हैं तो इस डाउनलोड फाइल्स में आ जाएगा। मैसेज आप यहां से डायरेक्टली कर सकते हैं, चूंकि ये सिम इसमें आप यूज कर सकते हैं, सिम की फैसिलिटी अवेलेबल है, सिम का स्लॉट अवेलेबल है, तो आप अपना कोई भी सिम, कोई भी नंबर आप इसमें डाल के सिम भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली यहां से आप कॉल कर सकते हैं या फिर कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू आप यहां पे फोन में टैबलेट को फोन में कन्वर्ट करके यहीं से डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आप मैसेजेस यहां से रीड भी कर सकते हैं। अगर कोई अपडेट आया है तो एप्लीकेशन अपडेट के थ्रू यहां पे आप अपडेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है गूगल। गूगल दोस्तों जैसा कि आप अपने फोन में ऑपरेट करते हैं वैसे ही सारी चीजें आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप ऊपर से आइकन्स को नीचे करते हैं तो यहाँ पे आपके पास इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए और डेटा कनेक्ट करने के लिए, वाईफाई, ब्लूटूथ हॉटस्पॉट क्रिएट करने के लिए, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल यहाँ पे ऑप्शन है। आप ब्राइटनेस को यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है एरो, नीचे को एरो दिखा रहा है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन एक्सपेंड हो जाता है। इस वाले ऑप्शन से दोस्तों आप अपने जो रिसेंट आइटम्स आपने खोल रखे हैं वो सारी चीजें यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेगा ऑडियो के इस प्रोडक्ट के सारे फीचर्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है आप इनके वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। आप कहीं पे भी किसी भी रिटेल शॉप पे जाके, कार एक्सेसरी शॉप पे जाके इसके लिए पूछ सकते हैं। और कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझावों को, अपने क्वेरीज को शेयर कर सकते हैं कमेंट करके। बाकी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को और लाइक जरूर करें दोस्तों। तो इसी के साथ आज की वीडियो करता हूं यहीं पे खत्म। नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ आपके साथ जरूर मिलने आऊंगा। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, जहां रहें जिंदाबाद रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।